पंजाब दे चर्चित सियासतदान ते कांग्रेस दे साबका सूबा प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला दी केंद्रीय जेल दे विच बंद ने। जेल विभाग ने दावा किया है कि असी सिद्धू दे मामले नूं गंभीरता नाल लै रहे हां। उन्हां दस्सिया कि जदों नवजोत सिंह सिद्धू दा जेल जाना तय हो गया सी तां वधीक डीजीपी जेलां वरिंदर कुमार ने पटियाला जेल दा निरीक्षण करके समुचे प्रबंधां दा जायजा लिया ते कांग्रेस लीडर नूं जिहड़ी बैरक विच रख्या गया उस दी सारे पासियां तों घोख दे नाल नाल इस गल दी वी निरख परख कीती गई कि इस बैरक विच बंद कीते जाण वाले कैदियां दा पिछोकड़ किहो जिहा है। जेल विभाग के अधिकारी ने दस्सिया कि बिना शक सिद्धू पहला पुलिस के सख्त सुरक्षा वाले घेरे विच विचरदे रहे सन, इसलिए जेल के अंदर भी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी जेल विभाग से पई ते सुरक्षा प्रबंधा की समीक्षा भी की गई। बैरक विच भावें 8 से 10 जणिआं दे रखण की समर्था है पर हाल की घड़ी 5 जणिआं नूं ही उत्थे रखिया जा रहा है। जेल अधिकारियों ने यह भी दस्सिया कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं कणक तों एलर्जी है, इसलिए जेल अंदर कंटीन की व्यवस्था है जिथों कोई भी कैदी जां हवालाती सब्जी फल जां कोई भी लोड़ीदी वस्तु खरीद के अपनी जरूरत पूरी कर सकदा है। जेल अधिकारियों ने दावा किया है कि सिद्धू वाली बैरक दे विच साबका इंस्पैक्टर इंदरजीत सिंह है ही नहीं जिहड़ा कि नशा तस्करी दे दोष विच फड़िया गया सी, जबकि मीडिया ने बिना तथ्य तो अजिहियां खबरां चला दित्तियां। जेल अधिकारियों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सारियां रिपोर्टां सच्चाई तो कोहां दूर ने, इंदरजीत सिंह वक्री बैरक विच बंद है। जेल विच दाखिल होने तो बाद उसकी सिद्धू नाल ना बैरक साझी हुई ना ही कोई मुलाकात हुई है। उन्होंने दस्सिया कि सिद्धू उस बैरक विच बंद ने जिथे कुछ होर कैदी भी बंद ने। सुरक्षा के मद्देनज़र इन्हां कैदियों के पिछोकड़ की चंगी तरह पड़ताल करन तो बाद ही सिद्धू नूं उन्हां दे नाल रख्या गया है। जेल विच कैदियों तो काम करवाना भी जरूरी हुंदा है ते सूत्र दसदे ने कि कांग्रेसी लीडर की योग्यता मुताबिक जेल दफ्तर विच सिद्धू नूं कलैरिकल काम यानी कि मुंशी का काम दिते जाण की संभावना है। सो जेल विभाग ने सिद्धू के मामले विच जेल प्रशासन वालों किसी भी तरह की कुताही के दोषों नूं नकारिया गया है। विभाग वालों प्रोटोकॉल की सख्ती नाल पालना किए जाण दा दावा किया गया। सो कहा जा सकता है कि सिद्धू के मसले ते मीडिया ने कुछ ज़्यादा ही आप मुहारी कावां रौली पा दित्ती, जबकि जेल प्रशासन कुछ होर ही दस रहा है। धरती हेठला पानी बचाओ मुहिम तहत जिला फरीदकोट के किसान आगुआ की जिला पदरी मीटिंग नेड़ले पिंड गुरु की ढाब के गुरु घर विच हुई। उन्होंने सरकार के वलों झोने की सीधी बिजाई के लिए जिहड़ा 1500 रुपये मदद राशि का ऐलान किया गया है उसनू नाकाफी दस्या है। किसानों ने यह भी मांग की कि झोने की थान दालां सब्जियां बासमती मक्की तेल बीज फलां ते होर घट पानी के खपत वाली फसलों के लाभकारी मुल C2+50% फार्मूले मुताबिक मिथ के मुकम्मल खरीद की लिखती गरंटी दी जाए। सो एक पासे किसान ये मांग कर रहे हैं तो दूसरे पासे पंजाब सरकार सीधी बिजाई हेठ 30 लाख रकबा लिया का टीचा मिथ के बैठी है। इस टीचे नूं पूरा करन दे लई सूबा सरकार ने किसानां नूं जागरूक करन वास्ते खेतीबाड़ी बागवानी मंडी बोर्ड ते जल ते भूमि संभाल समेत वख-वख विभागां दे 3000 अधिकारियां कर्मचारियां नूं तैनात कीता है। इह सारे अधिकारी कर्मचारी पिंड-पिंड पहुंच करके किसानां नूं जागरूक कर रहे ने ते खेतीबाड़ी विभाग वल्लों 5-7 पिंडां दे कलस्टर बना के पिंड पद्धरी सिखलाई कैंप भी लाए जा रहे ने। तो सरकार ने किसानों नूं उत्साहित करन वाली जिहड़ी राशि का ऐलान किया है उस वास्ते 450 करोड़ रुपये राखवें रख लेने ते पंजाब दे विच जिथे सीधी बिजाई की जाती है झोने की उत्थे फसल नूं चूहियां वालों नुकसान पहुंचाने दी रिपोर्टां भी सामने आ रही ने, जिसनों ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने खेतीबाड़ी विभाग में लोड़ी दवाई किसानों में मुफ्त वंडन के निर्देश दिए ने। इस लई संबंधित पिंड के ड्यूटी अफसर लोड़वंद किसानों का पता करके उन्होंने तक दवाई पुजदी करनगे। कल चंडीगढ़ दे विच तेलंगाना दे मुख्यमंत्री KCR खास तौर पर पहुंचे, जिन्होंने अंदोलन दौरान शहीद होने वाले किसानों के परिवारों नू सन्मानित किया अते मदद राशि दे चैक वंडे। इस समागम दे विच पंजाब दे 543 ते हरियाणा दे 150 किसान परिवार शामिल होए ते तेलंगाना दे मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने किसानां नूं सद्दा दित्ता है कि फसलां दे लाहेवंद भाव मिलण तक तुसी संघर्ष जारी रखो। उन्होंने कहा कि किसान चाहुण तां तख्ता पलट कर सकदे ने। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फिर अपने चोण वादे नूं दोहराया कि किसानां नूं असीं कर्जा मुक्त करांगे जो कर्जा माफी दे नालों वध जरूरी है। इस समागम दे विच इक मौके माहौल काफ़ी भावुक हो गया सी, गमकीन हो गया सी, क्योंकि एक किसान परिवार की औरत जदों स्टेज पर पहुंची तो चैक हासिल करन तो पहला उसने मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं जफ़ी पा ली ते गल नाल लग के काफ़ी चिर रोंदी रही। भगवंत मान किन्ना समा उस औरत नूं दिलासा दिंदे रहे। समागम विच बैठियां होर औरतां दीआं अक्खां दे विच भी हंझू सन ते दिलां दे दर्द चेहरियां तो साफ दिखाई दे रहे सन, क्योंकि कोई किसान
किसान महिला अपना पति ते कोई पुत किसान अंदोलन दे लेखे ला चुकी है। मौसम की गल कर लईए तो पंजाब अते हरियाणा दे विच अज मौसम विभाग ने मींह दी पेशीनगोई की है। तेज़ हवावां चलण तो बाद गड़े पैण की संभावना भी जताई है। शनिचरवार नूं भी पंजाब दे मालवा खिते विच हल्का मींह पिया सी, किते भारी मींह भी पिया सी ते किते गड़े भी पए सी। बावजूद उसके एतवार नूं तापमान दे विच कोई खास गिरावट नहीं देखी गई, पर मौसम विभाग के कहे के मुताबिक सोमवार तड़के तड़के तो ही मीह पैना शुरू हो गया। मालवा खिते दी तस्वीर थानू दिखा दें जिथे बिजली गर्जन के नाल तेज़ मीह तड़के तो ही पैना शुरू हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब के नाल नाल अज हरियाणा विच भी अगले 24 घंटे दौरान मीह ते गड़े पैण की संभावना है। ऐतवार को हुशियारपुर जिले के गड़दीवाला नेड़ले पिंड ख्याला बुलंदा दे विच प्रवासी परिवार का 6 साल बच्चा करीब 100 फुट डूंगे बोरवैल दे विच डिग गया सी। राहत की गल तो यह रही कि कल ही बच्चा बोरवैल दे विच डिग्या सी ते कल ही राहत टीमा ने उसनू बाहर कढ़ लिया, पर दुख की गल यह रही कि रितिक नू बचाया नहीं जा सकिया। हालांकि बोरवैल दे विचों रितिक ज्यौंदा बाहर निकलिया सी, पर डॉक्टर ने उसनू मृतक ऐलान दिता। रितिक की लाश पोस्टमार्टम तो बाद वारसा नू सौंपी गई। रितिक नू भी उसे जवान गुरिंदर सिंह ने बोरवैल चो बाहर कढ़िया, जिसने संगरूर के फतेहवीर नू बोरवैल चो बाहर कढ़िया सी। फौज, कौमी राहत बल, जिला पुलिस ते स्थानक वलंटियर ने बच्चे नू बोरवैल विचों ज्यौंदा कढ़न की पूरी कोशिश की, पर कामयाब नहीं हो सके। ऐतवार सवेरे करीब 9 बजे प्रवासी मजदूर रजिंदर सिंह का 6 साल पुत्र रितिक रोशन, जो कि थोड़ा मंदबुद्धि सी, खेतां दे विच खेड रहा सी। अचानक रितिक दे पिछे आवारा कुत्ते पै गए, जिन्हां तों बचण दे लई रितिक भज रहा सी ते बेध्यानी दे विच बोरवैल दी पाइप उत्ते चढ़ गया। बोरवैल सादी बोरी नाल ढकिया होया सी, जो बच्चे दे चढ़न कारण फट गई ते रितिक बोरवैल दे विच जा डिग्गिया। उसकी भैण ने रितिक नूं बोरवैल दे विच डिगदिआं देख लिया सी, जिस तों बाद पहलां पिंड दे लोक इकट्ठे होए बड़ी कोशिश कीती कढ़न दी, पर राहत टीमां दे आउण ते ही सफलता मिली। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घटना ते दुख प्रगट करदिआं पीड़ित परिवार दे नाल हमदर्दी प्रगटाई है। इस मौके पहुंचे कैबिनेट मंत्री ब्रह्म शंकर जिम्पा ने पीड़ित परिवार के लिए 2 लाख रुपए का मुआवजा ऐलानिया। डीसी संदीप हंस ने दसिया कि मुढ़ले तौर पर सामने आए तत्थों मुताबिक बच्चे की मौत सांह घुटन नाल हुई है। उन्होंने कहा कि अणगहली वरतन वाले बोरवैल के मालकों खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बच्चे के पिता रजिंदर सिंह ने दसिया कि उन्होंने रितिक नूं बचाउण लई चुन्नियां बन्न बन्न के लटकाईआं तां जो उसनूं बाहर कढ़िया जा सके, पर कामयाब नहीं हो सके। उन्होंने दसिया कि बच्चा पहलां काफ़ी देर तक हरकत कर रहा सी ते उसकी आवाज़ भी सुनाई देंदी रही, पर बाद विच खामोश हो गया सी। परिवार ने मांग की है कि मुल्क अंदर बोरवैल च बच्चे डिगण दीआं घटनावां ते रोक लाउण लई सख्त कदम चुकने चाहीदे ने, पर साडे मुल्क दे सिस्टम दी इह त्रासदी है कि इत्थे अजिहीआं कई घटनावां वापर जाण तों बाद भी कोई सख्त कानून नहीं बन सकिया। शनिचरवार को केंद्र सरकार के वालों पेट्रोल और डीजल से एक्साइज ड्यूटी घटाने तो बाद हुण सूबियां दे सिर ते गाज डिगी हुई है कि वह भी आपो अपने सूबे दे विच एक्साइज ड्यूटी घटा देण। सरकार दे फैसले तो बाद सूबा सरकारां अते केंद्र सरकार आमो सामने हो गए ने। कुछ सूबे तेल कीमतों उत्ते वैट घटाने दे हक विच ने, जबकि कुछ ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि वैट घटाने नाल सूबियां दे मालिए ते बेलोड़ा दबा पाएगा। हालांकि महाराष्ट्र, केरला ते राजस्थान ने वैट विच कटौती का ऐलान कर दिता है, जबकि तमिलनाडु दे विच सत्ताधारी ते मुख विरोधी धिर दे विच खिचोतान बन गई है। अन्ना डीएमके ने तेल कीमतों विच कटौती लई सूबा सरकार नूं हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिता है। शिवसेना की अगवाई वाली महाराष्ट्र सरकार ने पेट्रोल ते 2.08 रुपए प्रति लीटर ते डीजल उत्ते 1.44 रुपए प्रति लीटर वैट की कटौती की। इस फैसले दे नाल सूबे ते 2500 करोड़ रुपए का बोझ वधेगा। विरोध करने वाले सूबे ने मालिए उत्ते बेलोड़े दबा का खदशा जताया है, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने एक्साइज ड्यूटी विच कटौती नाल केंद्रीय टैक्सां विच सूबियां दी हिस्सेदारी असरअंदाज होने दे विरोधी धिर दे दावियां दी निखेधी करदिआं कहा है कि पेट्रोल ते डीजल विच क्रमवार 8 रुपए ते 6 रुपए की कटौती इन्हां दोवें बालणां ते लगदे रोड ते बुनियादी ढांचा टैक्स तों कीती गई है, जिसका हिस्सा सूबियां नाल कदे भी सांझा नहीं कीता जांदा। जबकि कांग्रेस सरकार दे इस फैसले का विरोध कर रही है कि सरकार लोकां नूं धोखे विच रख रही है, जां तां सरकार पहलां जिन्नियां तेल कीमतां करे जां फिर अजिहे ड्रामे ना करे। पी चिदंबरम ने कहा कि सूबियां लई एक पासे खूह है, दूजे पासे खाता है। पंजाब दे दुध उत्पादकां दी अज पंजाब सरकार दे नाल मीटिंग होवेगी। दुध दे भाअ ते होर मंगां नूं लै के प्रोग्रेसिव डेयरी फार्मरस एसोसीएशन यानी कि PDFA दे मोहरी लीडरां दी अज सवेरे 11 बजे पंजाब सरकार दे नुमाइंदिआं नाल मीटिंग होवेगी। दुध उत्पादकां ने फेज 6 स्थित वेरका मिल्क प्लांट दा घिराओ करके शनिचरवार नूं मोहाली चंडीगढ़ मुख सड़क ते चक्का जाम करके सूबा सरकार खिलाफ मुजाहरा कीता सी। इन्हां वल्लों मंग कीती जा रही है कि दुध दे खरीद मुल दे विच वाधा कीता जावे।
भारतीय किसान यूनियन एकता उगराहां ने झोने की सीधी बिजाई के लिए सरकार तो 10,000 रुपये जोखम भत्ता देने की मांग की है। जथेबंदी की अगवाई दे विच कल किसानां ने जैतो दे विच मीटिंग की। लीडरां ने कहा कि झोने की सीधी बिजाई करने वाले काश्तकारां लई जे पंजाब सरकार 1500 रुपये प्रति एकड़ की थान 10,000 रुपये जोखम भत्ते वजो दिंदी तां यकीनन किसानां दी रुचि सीधी काश्त वल होनी सी। दिल्ली तो खबर है जिथे डीएसजीएमसी के प्रधान हरमीत सिंह कालका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा खास तौर पर बंदी सिंह की रिहाई के नाल जुड़िया हुआ सी। कालका ने जिहड़ी सांझी कमेटी एसजीपीसी दे वल्लों बनाई गई है बंदी सिंह की रिहाई वास्ते संघर्ष करन दे लई, उस कमेटी दे विचों सुखबीर सिंह बादल अते अवतार सिंह हित नूं बाहर करन दी मंग कीती है। ते इह मंग उह पहलां वी कर चुके ने जदों हित नूं शामिल कीता गया सी तां उन्हां ने कहा सी कि हित नूं शामिल करना ठीक नहीं है। ते हुण उन्हां ने सुखबीर बादल नूं वी कमेटी चों कढ़न दी मंग कीती है। कालका ने कहा कि अजिहा महसूस हुंदा है कि इस मुहिम दे राहीं दोवें लीडर अपनी पार्टी नूं मजबूत करन दी कोशिश कर रहे ने, असीं इस दा डट विरोध करांगे। उन्हां कमेटी की पहली मीटिंग दे विच हरियाणा कमेटी के प्रधान बलजीत सिंह दादूवाल वालों सुखबीर बादल बारे चुके इतराज का समर्थन भी किया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब ने एक इकट्ठ बुलाया, पंथक इकट्ठ, उहदे विच सब दे विचार ले और सब ने उन्होंने ये इख्तियार दिते कि तुसीं इहदी रूपरेखा बनाओ। मगर सरदार धामी साहब ने जिस वक्त ये रूपरेखा बनाने की गल शुरू की है 19 तरीक नूं उन्होंने कमेटी सदी जिदे विच उन्होंने 9 मैंबर बनाए और उसनों 19 तरीक का टाइम दिता गया। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी क्योंकि संगत की चुनी हुई नुमाइंदा जथेबंदी है, इस करके अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब ने साडी बराबर की जिम्मेवारी लाई सी। एक कमेटी बनाउण वक्त साडे कोलो पुछिया तक भी नहीं गया कि इहदे विच किहड़े किहड़े मैंबर पाए जाण। उस तो बाद अचानक अगले दिन 2 मैंबर उहदे विच ऐड ऑन होर हो जांदे आ और वह बंदे जिन्हां दे खिलाफ असीं इतराज भी जाहिर किया और मीडिया नूं असीं पहले भी संबोधन कर चुके हैं कि सरदार अवतार सिंह हित नूं जद उन्होंने ऐड ऑन किया तो असीं उहदे उत्ते अपना इतराज जाहिर किया। जिस तरीके दे नाल उत्थे अंदर रूपरेखा बन रही है, मैं समझदा कि यह पहले ही एक प्लैनिंग करके ये लड़ाई बंदी सिंघा की ना होने करके मैनू लगता है कि अपनी होंद नू बचाण वास्ते ये लड़ाई शुरू की जा रही है, क्योंकि जिहड़े 2 बंदे तुसी पाए उहदे उत्ते संगत नू पहले ही बड़ा इतराज़ है। जब मैं गल उत्थे कीती ते मैनू धामी साहब ने कहा कि कालका जी तुहाडी गल असी नोट कर ली है। मैं क्या अगर तुसी नोट कर लीए तो मेरी जिहड़ी चिट्ठी तुहानू मैं अज तो 2 दिन पहला भेजती सी उस चिट्ठी नू इहदे मते दा हिस्सा बनाया जाए, मता पास किया जाए कि वह भी ये मिनट्स लिखा जाए कि हरमीत सिंह कालका ने दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपोज किया कि सरदार अवतार सिंह हित नू इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। साडी कमेटी ने कल एक मीटिंग की क्योंकि सारे मैंबर साहबान अपने इलाके चो देशों तो विदेश तो इन्ने फोन आ रहे हैं कि क्या इस कमेटी का हिस्सेदार सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब नूं बनना चाहिए, जेड़े आप डिप्टी सीएम रहिंदे हो जिन्हां दे समय दे विच काम होए ने उन्होंने कभी आवाज़ नहीं की पुछ चुकी। बंदी सिंघां दी रिहाई दे बारे जद कोई मुद्दा चुका जाता सी तो उन्हां लोगों नूं चुक के जेलां दे विच बंद करता जाता सी, जे भावे बापू सूरत सिंह वालियां दी गल करिए या सरदार गुरबख्श सिंह जी वालियां दी गल करिए। सो एक कमेटी के मैंबर साहबान ने जब दिल्ली कमेटी के सवाल साढ़े को पूछे है, असी जथेदार अकाल तख्त साहब नूं और श्रोमणी कमेटी प्रधान नूं बिल्कुल ये लिखित रूप दे विच इस गल का संज्ञान दिता और उन्होंने इस गल दे उत्ते नाल प्रोड़ता भी की है कि जिहड़ा ऑब्जेक्शन हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार दादूवाल साहब ने चुकया, असी उहदी पूरी उन्हों का सहयोग करते हैं, उन्हों की इस गल नूं असी सैकेंड करते हुए इस गल की भी मंग रखते हैं कि सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब नूं राजनीतिक बंदा कोई भी इस कमेटी का अगर हिस्सेदार होएगा तो इसका कोई फायदा नहीं है। और जिस तरीके दे नाल ये लोग जिहड़े विचे पाए गए ने जिन्होंने हमेशा 1984 के कातलों साथ दिता, रकाबगंज साहब की स्टेजा पर बुला के सरोपे पाए, ये गल सरदार मनजीत सिंह जी के खुद कहें होंगे सरदार सरना साहब बारे। अज सरदार मनजीत सिंह जी के क्यों चुप बैठे हैं,
उन्हों का फर्ज नहीं बनता कि यह गल कर कि भाई ये बंदे जेडे 84 के कातलों के सहयोगी रहे अज बंदी सिंह की किदा रिहाई की गल कर लेंगे। सो मैं समझदा कि किथे ना किथे ये कौम को गुमराह करन वास्ते ये जिहड़ी कमेटी बनाई गई है उस कमेटी का असी हिस्सेदार हाँ। सानू श्रोमणी कमेटी जिस वक्त भी जिम्मेवारी लाएगी असी बेधड़क होकर अपना कार्य करांगे। दिल्ली कमेटी ने एक गल होर जथेदार साहब ने लिखी है कि जिहड़ी जिम्मेवारी तुसी लगाई सी असी अपने निजी तौर पर भी इहदे उत्ते काम करांगे, मगर जिहड़ी श्रोमणी कमेटी क्योंकि एक जथेबंदी है सिरमौर जथेबंदी है असी उहदे विच रह के इस गल का अपोज भी करांगे कि इहो जिहे बंदे जिहड़ी रूपरेखा बनाउण दे विच जिहड़ी सिर्फ अपने आप नूं उजागर करन लई अपने आप नूं लाइमलाइट च लिआउण वास्ते इह बंदी सिंघां दा एक स्टैप बना के सीढ़ी बना के उहदे उत्ते चढ़ना चाह रहे ने, इहनूं बिल्कुल नहीं चढ़न दित्ता जाएगा। इस समुची कमेटी ने दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कल फैसला लिया और अज तुहाडे राही जिथे मैं प्रधान साहब नूं धामी साहब नूं भी बेनती करदा जथेदार अकाल तख्त साहब नूं भी बेनती करदा क्योंकि लिखित रूप से असी उन्हां नूं कल चिट्ठी पहुँच जाएगी अज उन्हां नूं असी पोस्ट कर रहे हैं।